28 सितंबर से शुक्र हो रहे हैं अस्त, और 2 महीने तक शुक्र अस्त ही रहेंगे, और 2 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, क्योंकि जब भी गोचर में शुक्र अस्त होते हैं कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुक्र अस्त हो रहे हैं 28 सितंबर को, पूर्व में अस्त हो रहे हैं, जो कि 11:50 में रात को अस्त हो जाएंगे, और उनका उदय हो रहा है 26 नवंबर को दोपहर में 12:08। 26 नवंबर के बाद ही सारे शुभ कार्य होने शुरू हो जाएंगे। जब सूर्य और शुक्र के बीच में 10 डिग्री का अंतर आ जाता है तो शुक्र अस्त हो जाते हैं। अब अस्त होने का क्या मतलब है वो आप समझिए। जब भी कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वो अपने इफेक्ट्स को नहीं दे पाता। किसी भी ग्रह को अस्त सूर्य करते हैं। सूर्य का जो अपना आभा मंडल है ना, जब कोई भी ग्रह उसके अंदर आ जाता है, उसकी इंटरनल ऑरे में आ जाता है ये कहो, तो वो अस्त हो जाता है। मतलब सूर्य का जो इतना प्रभाव है वो उसी प्रभाव में आ जाता, उसकी अपनी चमक कहीं भी नज़र नहीं आती, समझ नहीं आती, फिर सूर्य का ही उस पर इफेक्ट होता है। सूर्य क्या है? शासन, राजा, उच्च सत्ता। और शुक्र को हम क्या कहते हैं? लग्जरी वाली चीज़ें, भोग की चीज़ें, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें शासन के इन्फ्लुएंस में आ जाएगी। शुक्र वैसे भी सूर्य से ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, उनके आसपास ही रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक राशि आगे चले जाएंगे, तो शुक्र पे हमेशा सूर्य का इफेक्ट रहता ही रहता है। अब ये जो इफेक्ट आ रहा है इसमें हम शुभ कार्य तो कर नहीं सकते, विवाह, गौना, यज्ञोपवीत, शुभ कार्य इस समय नहीं किए जाते हैं, क्योंकि शुक्र जब अस्त होते हैं तो इन चीज़ों को हम रोक देते हैं। जब गोचर में गुरु अस्त होते हैं तब भी ये शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। शुक्र वैसे भी विवाह के कारक हैं, अगर वो अस्त होंगे तो विवाह जैसे जो समारोह हैं वो कैसे होंगे? कोई भी समारोह होना, कोई भी प्रोग्राम होना, कोई भी फंक्शन होना, वो शुक्र से जुड़ा हुआ है, और शुक्र की उसके लिए देने वाले हैं उन चीज़ों को। जब वो ही अपनी पूरी पावर को नहीं ले पाएंगे तो फिर हम उन चीज़ों को, उन जितने भी फंक्शंस हो कैसे इंजॉय करेंगे? तो वो सारी चीज़ें रोक दी जाती हैं, क्योंकि शुक्र उस समय अपनी फुल एनर्जी में नहीं होते। अब हम बात करते हैं इस समय के गोचर की। जब शुक्र अस्त हो रहे हैं तो वो बुध के साथ है, और सूर्य के तो होंगे ही होंगे तभी तो अस्त हो रहे हैं। बुध इस समय वक्री हैं और शुक्र नीच की राशि में बैठे हुए, अपने कन्या में है, कन्या में ही बुध बैठे हुए। अब ये बड़ा अच्छा सा संयोग बन रहा है, वैसे तो नीच राशि में है शुक्र, लेकिन नवांश में वो उच्च में भी चले गए हैं और केतु के साथ भी आए हैं। वो चीज़ें जो कि शुक्र की इंडस्ट्री या शुक्र के जुड़े हुए लोगों के साथ थी, उनको प्रॉब्लम्स कर रही थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही थी, जैसे ट्रैवल इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, कितनी सारी इस समय से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बायकॉट किया जा रहा है पिक्चरों को, ट्रैवल बहुत हद तक काफ़ी समय से रुक गया था, लेकिन ये समय उनके लिए अच्छा है, बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी। ट्रैवल इस समय, इस 2 महीने में काफ़ी बढ़ जाएगा। अब जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं इतने समय से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी बायकॉट हो रहा है पिक्चरों का, कोई बढ़िया नहीं लग रहा है कि उनको बेनिफिट मिल रहा है, लोग पूरी तरीके से इस इंडस्ट्री को जो है बिल्कुल ही बायकॉट कर रहे हैं कि हमें पिक्चरें नहीं देखनी, ये नहीं करनी, आप लोग ठीक तरीके से हमको चीज़ों को नहीं दिखा रहे हैं, बता नहीं रहे, बहुत सारी नाराज़गी है लोगों के अंदर। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिट वाला टाइम होगा, वो जब अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं ढूंढ पा रहे तो उन्हें उच्च शासन, कोई भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट कह लो, कोई भी उनका जो भी हायर अथॉरिटी है, उनकी हेल्प मिलेगी और पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि नीच के होके शुक्र नवांश में उच्च के जा रहे हैं, तो ये वाला जो टाइम है उन्हें बेनिफिट देगा। ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इस समय ग्रोथ करेगी, विदेश के ट्रैवल काफ़ी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र केतु के साथ है और केतु विदेश से जुड़ा हुआ है। और आप ये देखिए कि फिल्म इंडस्ट्री में भी जब हम बात करते हैं तो शुक्र उच्च के होंगे तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट उन्हें भी मिलेगा। केतु छुपावा रहस्य का ग्रह भी है, तो गुपचुप कई चीज़ें होने वाली हैं, कई डिसीजंस ये लेने वाले हैं ये लोग, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो नहीं आए, इनका कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, कहीं ना कहीं वो लोग इसके सॉल्यूशन को गुपचुप तरीके से बात करके ढूंढेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि जो आम लोग हैं उनकी नाराज़गी को ख़त्म किया जाए, जो लोगों का इंटरेस्ट है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो वापस आए और लोग वैसे ही अपने कलाकारों को प्यार करें और पूरी तरीके से उनकी पिक्चरों का वेलकम करें, छोटी छोटी बातों में उनकी पिक्चरों को बिल्कुल
छोड़ ना दें, उनके विरोधी ना बन जाएं। तो जो भी आपको शुभ और मांगलिक कार्य करने होंगे आप उससे पहले कर सकते हैं या बाद में। कोई आपने नया व्रत शुरू करना है, अगर सोमवार का शुरू करना है, शुक्रवार का करना है आपने, अगर कोई भी आपको नए व्रत इस समय पे शुरू नहीं करने, जब ये समय बीत जाएगा उसके बाद ही आप किसी नए व्रत की शुरुआत करें। अगर आप कोई करते जा रहे हैं किसी की पूजा काफ़ी समय से, वो आप अपने रूटीन में कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी नई पूजा नया व्रत इस समय पे नहीं स्टार्ट करें। ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेकर के आती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप क्या क्या जानना चाहते हैं वो चीज़ें मुझे भी कमेंट में लिखिए। ऐसे ही जुड़े रहिए और बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं आती रहूँगी। प्रणाम।